वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। आज का दोहा है, आ जो लागी समंद में धुआं न परकद होए, सो जाने जो जर मुआ जाकी लागे होए। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे में कहना चाहते हैं कि देखो, जब कहीं पे आग लगती है तो उसके धुएं से हम बोलते हैं कि हे भगवान, कितनी ज़्यादा आग लगी है, मतलब जो नुकसान हुआ है हम उसका अनुमान लगाते हैं। पर उस जो रिश्ता जो टूटा है, जो खोया है किसी ने, उसका क्या, उसके अंदर भी वो आग लगी है। ठीक उसी प्रकार जैसे समुद्र में जब आग लगती है, समुद्र में पानी में, तो सिर्फ वो पानी को पता है क्योंकि उसमें धुआं तो उड़ नहीं रहा, उग नहीं रहा। तो अब जब रिश्तों में लगती है तो भी धुआं नहीं उड़ता। जो उस आग में जल रहा होता है केवल और केवल सिर्फ उसे ही पता होता है। जिस प्रकार एक डिवोटी यानी कि जो भक्त है उसका ईश्वर से जब विरह होता है तो उस दर्द को केवल और केवल वो भक्त ही जान सकता है। कबीरदास जी इन दिस कपलेट डिपिक्स द पेन द एग्नी दैट अ डिवोटी हैज़ ऑन सेपरेशन विद हिज और हर God. Now see, if there's something burning, you can just think about the effect, the impact that burning sensation has. But what about when you cannot see the smoke coming out of something burning, just like any relationship getting burned or getting destroyed? So That burning inside will only be, the person will only be able to calculate the burning sensation once he himself or she herself is getting burned in that agony or desperation to meet the Lord. With this I conclude. Thank you.